visiting, check out the Park Street. It's gonna be my first impressions of this street too. But first we have some bars are here. So yeah, first impressions of as soon as we get out from the metro system. Main Street. Park Street. Cafe, bar, restaurant. Here, all here. Nice. You have a coming from? Azerbaijan. White John. No, Azerbaijan. Such a nice gentleman. And here we have a Domino's pizza. Foreigner shocked ho gaya Bharat ki hospitality dekhkar. Ek street. We have to try out some delicious cuisines or different restaurants here. Ki aapki mulk ki tarakki ka raaz kab pata chalta jab dusre mulkon ke log aapke mulk ki tareef karte hain. From the main street, as you can see, people are eating here more street food. So the food choices are amazing here. कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का ऐसा बनाया खबर ने लाहौर से जहां पर दो डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो गए। नमस्कार, हाउ आर यू ब्रदर? आई एम फाइन सर। यू यू हैव अ गुड एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट। अमेरिकन एक्सेंट, यस। I want to have one coconut. How much is coconut? 150. बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है वहां पर। मैं दिल्ली गया हूँ। अच्छा। हाँ, अब उसमें रिश्तेदारी हैं, वो करते हैं क्या नाम है, खाना पीना कटे ही। 50 भाई। अंग्रेज ने भारतीय बाजार में विजिट किया तो लोगों ने उसको खिलाए भाई डिफरेंट डिफरेंट खाने, तो दीवाना हो गया। A little bit sarcastic, but let's try. Very delicious. He's giving the same price to him and to me, which is great. तो दुनिया गीत गाती है इंडिया के, क्यों गाती है? ऐसे लोगों की वजह से। और ऐसे भाई मतलब जो तभी तो हर तभी तो भारत याद करती है। आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक्य है, इंतहाई दुख की बात है। देखें वो हमारे मेहमान थे और टूरिस्ट वो गए हैं डॉल्फिन के पास, पुलिस के पास गए हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। आपने ये न्यूज भी सुनी है कि डॉल्फिन ने कहा कि भाई मुझे नकदी कुछ दो, डॉलर्स में दो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस हमारा ये मैसेज दे रही दुनिया। Nice gentleman. I also great English actually. I mean, very very welcoming and with a big smile. सारी दुनिया देखती है तो भाई वो भी कहती है कि यार देखो भारतीय लोग कैसे हैं, जाना तो पचवाड़ा। फिर वो आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल इससे ले रहे हैं, साथ शेयरिंग कर रहे हैं, बी में खुद खा रहे हैं, उसको साथ खिला रहे हैं। देखो भारत के अंदर कितना प्यार हमारे यहाँ, कोई अंग्रेज आ जाए उसके साथ मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पे यही वीडियो जाती है, इंडिया कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे लोगों में प्यार मोहब्बत फैलाते हैं। देखो हमारे यहाँ की फिर वीडियो निकलती है, अरेस्ट कर रहे हैं अंग्रेजों को, क्या क्या कर रहे हैं। तो भाई फिर वो गलत दोस्तों, ये तो हमारी युगों युगों की रीत है कि कोई भी बाहर से आ जाए हम उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। दोस्तों हम हमेशा जो अतिथि होता है उसको भगवान समझते हैं, हम कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते। इसके उल्टा होता है पाकिस्तान में। अभी आपको कल की न्यूज़ मिल गई होगी कि पाकिस्तान के अंदर एक जर्मन टूरिस्ट जो वर्ल्ड टूर कर रहा था साइकिल के ऊपर, वो पाकिस्तान पहुँच गया और वह बेचारा पाकिस्तान के अंदर टेंट लगा के सो रहा था। उसको बंदूक दिखा के गुंडे लूट के ले गए, 5 लाख रुपया लूट के ले गए जो उसके डॉलर्स में था, उसका मोबाइल, उसकी साइकिल तक भी ले गए चुरा के। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो पुलिस वालों के पास गया कि आप मेरी हेल्प कीजिए, तो पुलिस वाले कहते भैया पहले कुछ डॉलर हमें देगा तब हम तेरी हेल्प करेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बेशर्मी से ये चीज़ें मांग लेते हैं किसी से, बजाय उसकी हेल्प करने के। इसलिए आज पूरी दुनिया में अगर उनकी थू थू हो रही है, फिर वो रोते हैं कि जी भारत इतना आगे कैसे निकल गया। भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। भारतीय जो होते हैं, आप देखिए, आपको याद आ जाए पिछले साल जब G20 हुआ था, यही रिक्शे वाला था और अंग्रेज बैठे हुए थे, कितनी जबरदस्त इंग्लिश में बात की थी इसने, ये देख के भी लोग हिल गए थे। तो यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं दोस्तों, कुछ भी हो ईमानदारी तो है, बेईमानी नहीं करते। इसीलिए आज दुनिया भारत को पूछती है,
कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू। ये समझ नहीं आ रही है, वो लूटा तो गया है, अवाम जड़ी अनपढ़ हैगी उन्हें समझ आ रही है, उन्हें कह की रहा है की कह रहे हैं भी की होया मेरे नाल, पर जिसको समझ आ रही है वो तो कह रहा है ना पनी क्या कहाँ से आया, कोई दहशतगर्द तो नहीं वाड़ा है पाकिस्तान के बीच। अच्छा। जो ये लूटते हैं मुझे एक समझ नहीं आती है, एक तो हमारे पहले पाकिस्तानी यहाँ ऐसे आगे मतलब आपको पता है इतनी महंगाई हो गई हुई है, ठीक है कुछ मिल नहीं रहा, अब वो बेचारा एक अंग्रेज यहाँ पर आया उसे लूट लिया, लेकिन ये गलत किया उन्होंने। हम कहते हैं हम बड़े जो है ना वो खुशामदीद करते हैं लोगों को, हम बड़ा प्यार देते हैं लोगों को, तो ये बताए ये वाला प्यार देते हैं हम लोगों को, ये प्यार मिल गया ना वो आगे से नहीं आएगा अब। कौन आएगा, कौन आना पसंद करेगा, या कौन विजिट करना पसंद करेगा पाकिस्तान को? आएगा तो कोई नहीं, अब हम जाएंगे दूसरे मुल्क में, हम जाके वहाँ करेंगे ये काम। आप भी जाके यही काम करें। देखें ये ऐसे गलत किया ना, जो पहली बात तो ये है कि इसलिए तो अगले लोग जो है ना बाहर के मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये वो पहले कहते हैं सिक्योरिटी दें हमें, सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो ये हाल होगा। वो एयरपोर्ट के पास जहाँ पर इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस हमारे डाकुओं में है कैसे? कॉन्फिडेंस हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह है ही बहुत है, वो तो यह वैसे ही चलते को लूट लेते हैं, ये तो बेचारा सोया हुआ था सोए को लूट लिया इन्होंने। तो अब अपनी कंट्री में जाकर क्या बताएगा कि वो क्या तासुर लेकर पाकिस्तान से जा रहा है? वो यही कहेगा सबको, पहले तो वो जाके न्यूज़ देगा कि यार मेरे साथ ये हादसा हो गया, इंग्लिश में जाके कहेगा। अच्छा। मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, मुझे उसकी साइकिल भी ले गए हैं। अच्छा। फोन भी ले गए हैं, अब वो बेचारा पहली तो बात है उसे लोकेशन ही वहाँ से मेरी थी फोन से, अब वो जाएगा किस बॉर्डर गया तो वो फंस जाएगा, ठीक है पकड़ा जाएगा। ये पहली दफ़ा तो पहली बात हो नहीं रहा, अब आपको पता है पीछे अभी टीम ने हमारी ने आना था तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें कुछ सिक्योरिटी का बताएं कि सिक्योरिटी हमें हमारे लिए क्या होगा, या क्या वो हम उसको उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे पहले यहाँ अंग्रेजों को लूटा जा रहा है। ये मुझे बताइएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो इस टाइम कौन तालीम में आगे है, हिंदुस्तान आगे है या नहीं? हिंदुस्तान तालीम में आगे है। कैसे आगे चला गया वो? उन्होंने अपनी एजुकेशन को हाई किया हुआ है, इस वजह से बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। क्या निज़ाम था वहाँ पे? वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया बहुत है वहाँ पे, और फिर तालीम का मियाद बहुत अच्छा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, और स्कूलों में वजीफे मिल रहे हैं सरकारी स्कूलों में। मेरी खाला की लड़की पढ़ती थी, वजीफा मिलता था उसे। अच्छा, मतलब रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है? मैं पैदाइश मेरी इंडिया की थी। माइग्रेशन क्यों की, माइग्रेशन कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे मेरे डैडी आए थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। लगता है आज के पाकिस्तान में आए और आज यहाँ के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने? पढ़ लिख के यहाँ रेडियो लगाई, छाबड़ियाँ लगाई हैं बच्चों ने, बच्चे सौदा बेच रहे हैं, कोई पकौड़े बेच रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी पैसे लगता है, रेलवे में पैसा, हर चीज़ में पैसा, लॉकडाउन में मेरा बदले मेरे भाई ने लॉकडाउन में खिदमत की सारी उम्र, बच्चा नहीं वो लग रहा। तो फिर हमसे बेहतर जो है इस टाइम इंडियन मुस्लिम्स हैं जो कि अच्छी रोटी भी खा रहे हैं, अच्छी तालीम भी ले रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे सब अपने अपनी रोजी कमाते हैं, रिक्शा चला के मेहनत करके कमा के खाते हैं। जब भी फॉरेनर्स से इंडिया के बारे में पूछते हैं वो बड़े खुशी से जवाब देते हैं, मतलब कि उनके अंदर मतलब वो दिल से बहुत पसंद करते हैं इंडिया, ऐसा फील होता है। देखिए कुछ लोगों को ये चीज नहीं फील होता, मतलब कुछ और कंट्रीज के बारे में पूछे जाए तो वो एक मतलब डोंट नो या इस तरह बोल देंगे बस, जान छुड़ाने वाली बात करेंगे, जान छुड़ाने। लेकिन इंडिया के टॉपिक पे सारे बड़े खुश होते हैं।